कानपुर में रैपिड रिस्पांस टीम के निर्धारित लक्ष्य को पूरा ना करने पर आरआरटी प्रभारी को जिलाधिकारी के स्कॉर्ट ने देर रात समीक्षा बैठक के बाद सिटी मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर हिरासत में ले लिया। स्कॉर्ट ने आरआरटी प्रभारी पर मुकदमा दर्ज कराए जाने के लिए उन्हें स्वरूप नगर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इस मामले की जानकारी पर जिले भर के डॉक्टर थाने पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें, बीते 23 अप्रैल को पतारा सीएससी अधीक्षक डॉक्टर नीरज सचान को रैपिड रिस्पांस टीम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। इसमें जिले में 40 टीमें घर घर जाकर कोविड जांच के लिए सैंपलिंग करते हैं। सोमवार की रात जिला प्रशासन द्वारा जनपद में कोविड महामारी को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट ने आरआरटी की जांच में लापरवाही बरतने व लक्ष्य से कम सैंपल लिए जाने पर कार्रवाई की संस्तुति करने की रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी। इस रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने बैठक के बाद डॉक्टर नीरज सचान को अपने स्कॉट से हिरासत में लेकर स्वरूप नगर थाने भेजते हुए मुकदमा दर्ज किए जाने के आदेश दिए। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर नीरज सिंह सचान। सर, क्या हुआ था आपके पुलिस के साथ? क्या मामला है? मामला कुछ नहीं था। आज आरआरटी मुझे अभी मैं सीएससी पतारा में बतौर अधीक्षक चार्ज पर हूँ और यहाँ पर अभी हमें दो दिन पहले कल संडे में परसों रात में हमें शनिवार को आदेश मिला कि आपको क्या कहते हैं डॉक्टर एस एल वर्मा के पॉजिटिव होने के कारण आपको यहाँ आरआरटी कार्यों को देखना है। चूँकि मैं पिछले साल पूरा आरआरटी का मैनेजमेंट मैंने देखा था तो शायद इसलिए सीमो साहब ने मुझे लगा दिया कि क्या कहते हैं जो चीज़ें बिगड़ रही हैं उनको सुधारा जाए। कल डीएम साहब की समीक्षा बैठक में कुछ उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे, हमें उनका पालन कराने के लिए हमने पूरी प्रयास किए। और चूँकि पतारा में भी अधीक्षक के कार्यकाल का दायित्व रहता है तो इस वजह से क्या कहते हैं वहाँ के भी कार्यक्रम वैक्सीनेशन ड्राइव वगैरह चलाना है, यहाँ इन सब चीज़ों के बीच में कुछ छोटी मोटी चीज़ें ऐसी हुई जो मैं उनको समझाने में नाकाम रहा और उन्होंने भी क्या कहते हैं छोटी सी बातों का इशू बना के उन्होंने कहा कि नहीं आप काम करने मेरी कार्य करने की प्रणाली पे उन्होंने सवाल प्रश्न खड़े किए और मैंने उनको क्या कहते हैं इस बात पर क्षमा भी मांगी कि अगर कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलती की हूँ तो क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने कल ही दो दिन पहले ये चार संभाला है, आगे चल के दो तीन दिन में मैं ठीक कर ले जाऊँगा। मुझे बाहर अचानक क्या हुआ था? बस वही चीज़ हुई, अचानक से उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं नहीं नहीं इनको ये बिल्कुल कार्य करने में उस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे हैं और इनको FIR करा दीजिए। मैंने सोचा कि हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई या इनको सर को समझने में कोई गलती हो, वो मेरी बात समझना नहीं चाहते थे, सुनना नहीं चाहते थे। तो मैंने उनको कहा कि भाई सर सॉरी भी बोला, उन्होंने कहा कि आगे जो चीज़ें हैं उनको ठीक करने का प्रयास करूँगा। तो उन्होंने बोला नहीं 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 इनको आप जाइए। यहाँ मुझे कम से कम साढ़े नौ दस बजे मैं आया था यहाँ। मुझल के पे तो कुछ नहीं, एक साइन एक बयान लिया है कि हाँ भाई ठीक है। डीएम साहब ने अपने स्कॉट से आपको थाने भिजवाया? डीएम साहब ने हाँ क्या कहते हैं अपने गनर से अपनी एक गाड़ी भेजी थी। कानपुर से कमर महमूद की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।